नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी के बीच ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खुमैनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक यात्री विमान क्रैश हो गया है। ये विमान यूक्रेन का था और इसमें सवार सभी 170 यात्री मारे गए हैं। तेहरान से उड़ान भरने के बाद बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुए एक यूक्रेनी यात्री विमान में सवार सभी 170 लोग मारे गए। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि सभी 170 यात्री हादसे में मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि फ्लाइट नंबर PS752 विमान जब हादसे का शिकार हुआ तो वो 7900 फीट की ऊंचाई पर था। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण विमान उड़ान भरने के बाद ही क्रैश हो गया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है, अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। बता दें कि बोइंग 737 जेट एक तकनीकी समस्या के कारण टेक ऑफ करने के तुरंत बाद ईरान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया।